और इससे पूछते हैं कि आज इसको कितना सैलरी मिलता है। ये सब जो भी देख रहे हो ना, ये तो पोर्क है, और उधर ये रेड मीट जो देख रहे हैं ये सारा गाय वाला है, और फिर इधर भी ये पोर्क वाला, और ये तो सॉसेज है जो ये बता रखा है मैं कि हमेशा यहाँ पे आई नीड लाइक थ्री। थैंक यू। यू वर्क इन दिस काउंटर ओनली और फॉर हॉल्स ऑफ कैशा? How much does do you get paid? How much do you get paid? Payment? Like how much dinar? Guys, शाम का समय है अभी 7 बज रहा है और देख सकते हो ट्रैफिक किस तरह जाम लगा हुआ। और ग्रीन हो गया, बिना ग्रीन के चल नहीं सकते, यहाँ पे ग्रीन हुआ पड़ा, देख सकते हो सारी गाड़ियाँ रुकी पड़ी है। और मेरे को मन कर गया, तलब हो गया कि चिकन खाना है। चारों साइड से नज़ारा मैं दिखा देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे जैसे ही तलब हुआ वैसे ही तुरंत निकल गए पहन के कपड़ा कि आइडिया स्टोर चलते हैं और चिकन लेते हैं। मेरे फ्लैट से मात्र बस 4 से 5 मिनट दिखाते हैं आइडिया स्टोर। और आज मेरे को एक सर्वियन मिले थे, तो सर्वियन बता रही थी क्या क्योंकि वो सर्वियन मिली थी, वो बोल रही थी कि त्रावना में सस्ता मिलता है, इससे ज़्यादा सस्ता मिलता है आइडिया से। बट हमारे पास आइडिया है तो आइडिया से ही लेंगे, त्रावना नहीं है हमारे पास। त्रावना या त्रावना बोल रहे हैं, थोड़ा सा उसमें प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है। तो यहाँ पे पहले बेसिकली खड़ा मुर्गा लेते थे तो वो ज़्यादा बच जाता था, फिर दोबारा बोलता है ना कि एक दिन से ज़्यादा हुआ मुर्गा नहीं खाना चाहिए, एक दिन से ज़्यादा हो जाए वो मुर्गा नहीं खाना चाहिए, तो इसी वजह से आकर यहाँ पे मुर्गा लेने के। हेलो, नो चिकन इनसाइड? ओ सो गाइस, ये बुचर का काम थाइस, इट्स हियर ओनली वन, या देन ओके। सो गाइस, ये बुचर का काम करती है, और इससे पूछते हैं कि आज इसको कितना सैलरी मिलता है। ये सब जो भी देख रहे हो ना, ये तो पोर्क है, और उधर ये रेड मीट जो देख रहे हैं ये सारा गाय वाला है, और फिर इधर भी ये पोर्क वाला, और ये तो सॉसेज है जो ये बता रखा है मैं कि हमेशा यहाँ पे। आई नीड लाइक थ्री। थैंक यू। यू वर्क इन दिस काउंटर ओनली और फॉर हॉल्स ऑफ कैशा? हाउ मच डस डू यू गेट पेड? हाउ मच डू यू गेट पेड पेमेंट? Like how much dinar? 50,000. 50,000. 50? Yes. Oh, that's good. You work here only or somewhere else also? Just here. Just here. Oh, how old are you? 28. Oh, you are married? 29. You are married? Yes. Oh. I have 2 kids. Oh, but it doesn't look that you have kid. Why they are laughing? Is there any chicken खरीद लिए और अब चलते हैं। और इतना चिकन का कितना पड़ा रेट? ये 319 दिनार, 391 दिनार पड़ा, 3 लेग पीस खरीदे, तो चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो छोटा छोटा ये दारू का बोतल, जैसे अपने यहाँ देसी होता है ना वैसा। सो गाइस, यहाँ पे सीधा 391 दिनार हुआ। सो गाइज, मैं धनिया मांगा से तभी लग रहा है धनिया मसाला ना दिखा दे। या नो, आई वांट लाइक लीव्स लाइक दिस 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 पैशन। या आई वांट ग्रीन ग्रीन। सो गाइज, ग्रीन कोरिएंडर तो नहीं मिला यहाँ पे, दादी लोग सड़िया रही है सामान वगैरह सारा चीज। ओके वाला हम चाओ चाओ।
और बाहर निकल गए। बाहर का मौसम कुछ इस तरह है, ठंड है क्योंकि बारिश पता नहीं यहाँ पे स्नो हो नहीं रही है अभी तक। पूरा ठंड अब ख़त्म होने वाली है क्योंकि अब जनवरी आ गया है और फेब मार्च तक में अब ठंडी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी तक यहाँ पे स्नो एक बार भी नहीं हुआ है, देख सकते हो चारों साइड से। और किसी किसी दिन हुआ भी है तो थोड़ा हल्का हल्का हुआ है स्नो, एकदम पूरा कि सिर्फ वाइट ही दिखता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा सा वाइट हुआ है, उस तरह का स्नो हुआ है। मतलब पूरा जम के स्नो भी नहीं हुआ है किसी दिन भी। तो गाइज अब चलता हूँ घर और वहाँ दिखाऊँगा कि कैसे बनाऊँगा मैं कम मसाले में चिकन। सो गाइस जैसे चिकन लाए, इसको चिकन को क्लीन किए, इसका स्क्रीन रिमूव कर देते। इंडिया में बेसिकली इसका स्क्रीन रिमूव नहीं करते, शायद यहाँ पे करना पड़ता है क्योंकि इसी तरह रखा रहता है, थोड़ा ठीक नहीं लगता, आदत सभी हो गया। और साइड साइड से कट भी लगाना पड़ता है और फिर इसको काटना पड़ता है पीसेस में, क्योंकि बड़ी बड़ी पीसेस रहती थी, इसी वजह से पहले काट लिए फिर धो लिए चिकन को पूरा फ्रेश तरीके से। और वो साइड में चर्बी उसे भी निकालना, भी फिर तेल डाल दिए, तेल में ज़्यादा मसाला नहीं है हमारे पास तो इसी वजह से कुछ है नहीं डालने के लिए बेसिकली। और बोले ना देहाती टाइप का चिकन बनाने वाला हूँ मैं, इसमें कुछ ज़्यादा मसाला टाइप का नहीं देने वाले हूँ, सिंपल सा मसाला रहेगा और नॉर्मल सा कढ़ी रहेगी। तो देख सकते हो मैंने सीधा खड़ा लहसुन डाल दिया था वगैरह, इसमें पानी नहीं डाला, ये चिकन ऑलरेडी पानी छोड़ी है, इसमें बिल्कुल भी मैंने पानी नहीं डाला। अब वो जितना लहसुन वगैरह दिख रहा है ना ऊपर से कली वाला, वो सब गल जाएगा अपने आप, देखो पूरा एकदम पानी छोड़ रहा है, सटने भी लगा था नीचे, तो फिर उसको नीचे छुड़ाया, उसके फ्लेम कम किया। फ्लेम कम करने के बाद सारा मसाला डाले, पहले हल्दी डाले, फिर उसके बाद लाल मिर्च डाले, फिर थोड़ी सी और लाल मिर्च डाले, उसके बाद देख सकते हो धनिया उतर डाल दिए क्योंकि धनिया ख़त्म ही होने वाला था। और उसके बाद ये गरम मसाला था आई गेस, हाँ क्योंकि मसाला कोई और भरा था इसमें तो हमें नहीं पता ये गरम मसाला या चिकन मसाला, दोनों में से कोई एक चीज़ था। तो बस इतना डाला और इसी में रंग आ गया, उसके बाद खाना बन गया मेरा, रोटी और चिकन, और रोटी एंड चिकन पूरा दबा के रेल दिए। फिर उसके बाद गुड नाइट, वीडियो अच्छा लगा।